भागो भागो शिकार के पीछे। जल्दी जाओ पकड़ो उसे। लगता है तुम फिर जीत गए बघीरा। तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अगर मैं शेर खान होता तो अब तक मैं तुम्हें खा चुका होता मोगली, समझे तुम? मगर दबे पाओ, तुम बिना किसी आहट के मेरे पीछे आ कैसे गए बघीरा? मुझे तो लगा कि तुम मेरे पीछे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ मोगली। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम ये सबक कब सीखोगे मोगली? जंगल में जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। याद रखो, बाघ हजार चाला किया कर सकता है। क्या हम सफल रहे बघीरा? ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू, अब समझा, मेरे आगे तुम ही चुपचाप चल रहे थे। हाँ, चालाक बघीरा ने तुम पर नजर रखने के लिए मुझे आगे कर दिया था। जंगल के बारे में अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है मोगली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हमेशा सबकी मदद करता। तुम मनुष्य के बच्चे हो, किसी से दुश्मनी मत करना। ये बात गांठ बांध लो तुम मोगली, याद रखोगे ना? चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने। पर तुम तो मुझे सिखा रहे थे। अरे वो चला गया है। लगता है कि बल्लू अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। नहीं नहीं मोगली, हिम्मत मत हारो, बघीरा ठीक कह रहा है। शिकारी बनने से पहले तुम्हें दोस्त बनाने सीखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जंगल अच्छा, के लिए। क्या मतलब? तुम्हें दोस्तों की जरूरत है बच्चे। अच्छा बताओ, सबसे चिड़चिड़ा जानवर जंगल में कौन सा है? सबसे चिड़चिड़ा गेंडा लगता है। तुमने सही कहा, गेंडे होते हैं बददिमाग, गुस्से वाले और बहुत ही ताकतवर भी। फिर गुस्से के कारण कोई भी प्राणी उनके पास नहीं जाता और वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं। लेकिन इसका दोस्ती से क्या संबंध है? देखो, बलवान गेंडा भी दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। उसके दोस्त पंछी उसकी पीठ पर बैठ के खाल से कीड़े मकौड़े निकाल कर खा जाते हैं। पंछियों से दोस्ती नहीं करेगा तो कीड़ों से कैसे बचेगा? मतलब गैंडों को भी दोस्तों की जरूरत होती है। पंछी उसे कीड़ों से छुटकारा दिलाते हैं और गैंडा उन्हें स्वादिष्ट भोजन का आनंद देता है। समझ गए तुम प्यारे मोगली? अगर गैंडों को दोस्तों की जरूरत है तो तुम्हें भी है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बनना चाहता हूँ मोगली। कहाँ है वो शेर? वो दोस्तों के बारे में कह रहा था। हाँ, माँ ने भी एक बार सिखाने की कोशिश की थी। अच्छा तो एक बात बताओ, दोस्त और भाई में क्या फर्क होता है? मुझे नहीं पता। क्या दोस्त और भाई में कोई फर्क नहीं है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। कोई भी शिकारी अपने दोस्तों पर हमला नहीं करता। अच्छा, मुझे तो भूख लगी है, मेरे ख्याल से तुम्हें भी लगी होगी। चलो चलकर कुछ खाना ढूंढते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अरे लाला, चलो मोगली यहाँ से जल्दी निकलो। हे, लगता है लाला को कुछ मिल गया है। चलो देखते हैं। खाने का क्या हुआ? ये मेरा शिकार है, मैंने इसे पकड़ा है। पकड़ा है, सिर्फ पानी से बाहर निकाला है। तो क्या हुआ, अब ये मेरा है।
क्यों ना इसे हम बैठकर खाएं? बीच में मत पड़ो अकड़ू, ये तो बांसा है और भेड़ ये तबाके की तरह दूसरे की जूठन नहीं खाते, समझ गए तुम? कुछ भी मत बोलो, ये जूठन नहीं है, समझे? लेकिन ये है कौन? इससे पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। ये तो अजीब प्राणी लगता है। ये तो लाल पांडा है, बहुत दुर्लभ। बघीरा, तुम्हें कैसे पता? ये तो इन जंगलों में नहीं होते, ये यहाँ कैसे आया? ये लकड़ी पे तैर रहा था, मैंने इसे बाहर निकाला, अब ये मेरा है। हाँ, ये शिकार मेरा है। ये जानवर दूर कहीं नदी में गिर गया होगा। लाल पांडा यहाँ पर नहीं, हिमालय पर्वत पे रहते हैं। इतना दूर हिमालय पर्वत पर? पिताजी, शायद परिवार से बिछड़ गया है। कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इसे अभी खाऊंगा। अरे बाबा, एक मिनट रुको तो सही। मत जाओ माँ, पिताजी मत जाओ, नहीं। क्या चाहिए शेर खान? मुझे वो बच्चा चाहिए, वो मेरा शिकार है, मुझे दे दो। नहीं शेर खान, ये लड़ने का वक्त नहीं है, जंगल का कानून भी यही कहता है। मैं अपने कानून खुद बनाता हूँ, समझे तुम? मैं कहता हूँ वो बच्चा मेरे हवाले कर दो, समझे तुम? अब झुंड की देखभाल तुम करोगे। पिताजी, जाओ यहाँ से। मैंने पकड़ा है इसे, मेरा शिकार है, मुझे दो। अगर तुम्हें खाना ही है तो इसके बदले खरगोश दूंगा। खरगोश? ठीक है, दो मोटे वाले लूंगा। ठीक है, दो पतले ही सही। ठीक है, एक लेकिन थोड़ा मोटा। सच बताओ मोगली, तुम्हें हुआ क्या है? समझा करो लाला, मोगली उसकी मदद करना चाहता है। शायद उस पांडा के माँ बाप उसे बचाते समय मर गए होंगे और मोगली इस बात को अच्छी तरह समझ गया है और उसे मोती याद आ रहा होगा। कुछ याद आया लाला? हाँ हाँ याद है, ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। माफ करना लाला, मैं तो मदद करना चाहता था। बहुत भूख लगी है, पता नहीं मोगली खरगोश लाएगा या नहीं। बाकस, शिकार नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। तुम जाओ यहाँ से बघीरा, मुझे नींद आ रही है। मोगली, तुमने इस छोटे से प्राणी के लिए खरगोश का सौदा कर लिया, मेरे ख्याल से ये सौदा ठीक नहीं है। अकरू, मोगली ने खाने के लिए सौदा नहीं किया है। तो फिर ये इसे यहाँ क्यों लाया है सारू? चुप रहो तुम दोनों। पिताजी, माँ, ये तो बहुत बुरी तरह घायल दिखता है। अकड़ू सुरू, अब क्या करें? मुझे लगता है इसे भूख लगी होगी। पर पांडा खाता क्या है अकड़ू? चिड़िया के अंडे। चिड़िया के अंडे? हाँ, मैं अंडे ढूंढ के लाता हूँ। मैं माँ को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ? अकड़ू, तुम सुरा के साथ क्यों नहीं जाते? तो फिर इसका ख्याल कौन रखेगा यहाँ? मैं रुकती हूँ, तुम माँ को लेकर आओ। ठीक है। तो ले ही सकता हूँ।
पैर फोड़ दिया मेरा। बेवकूफ पंछी कहीं के। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो सब, मुझे अंडा मिल गया। कैसा है ये अब? वैसे बहुत कमजोर है, लेकिन शुक्र है कि जिंदा है। क्या ये अंडा खा सकता है? इसे होश आ गया। मोगली, तुम ठीक हो ना? लाओ दिखाओ मुझे। कितनी बुरी तरह काटा है। जान बचाने का शुक्रिया अदा किया है उसने। अकरू, चलो उसे ढूंढते हैं। शुक्रिया। ओ नहीं, पर मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, पर उसने मुझे काट लिया। अगर मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसे नहीं पता था कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। वो डरा हुआ है और अकेला महसूस कर रहा है। शायद तुम ठीक बोल रही हो। मुझे फिर से उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे उसे ढूंढना होगा। लगता है यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है वो। ओ, ये तो सभा का बुलावा है। आप क्या करें? अब क्या करें? तुम दोनों आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। पर मोगली, चिंता मत करो, मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन उस पांडा के बच्चे को थोड़ी तमीज जरूर सिखाना। चलो चलते हैं सारू। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मोगली कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था। उसे चोट लग गई है। तो वो अपनी गुफा में है? हाँ, शायद वही होगा। उसने कहा था मैं गुफा में जा रहा हूँ। चलो शुरू करें। सभी भेड़िये ध्यान से सुने। खबर मिली है कि तबाकी हमारे इलाके में देखा गया है, और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, सावधान रहना होगा। अगर रात को कोई शिकार पर जाए तो दो और तीन के झुंड में ही जाए, अकेला कोई न जाए। मेरा मोगली खतरे में है। और अगर कोई शेर खान को देखे तो तुरंत आकर सूचित करे। मोगली को सावधान करना होगा। पांडा यही कहीं होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मरे हुए जानवर की गंध आ रही है। मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर वो मुझे पहले नहीं मिला तो शेर खान उसे खा जाएगा। वही है।
खान, ये अब किसका पीछा कर रहा है? अरे नहीं, अब पता चलेगा तुम्हें बच्चू, तुमने मुझे काटा था ना। पिताजी, माँ। उसे नहीं पता था कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, वो डरा हुआ है और अकेला महसूस कर रहा है। मतलब गैंडों को भी दोस्तों की जरूरत होती है। बेचारा अकेला है। कुछ भी हो, उसे बचाना होगा। ए, इधर देखो, ए, इधर देखो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर तुम बचना चाहते हो तो हाथ पकड़ लो मेरा, जल्दी। जल्दी हाथ पकड़ो मेरा। तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चलो, शेर खान से बचना चाहते हो तो हाथ पकड़ो, जल्दी। जल्दी जल्दी। अब हम क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। ऐसा कोई नहीं जो इस बार तुम्हें मुझसे बचा सके। कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा। रुको, बस यही एक रास्ता है। मुझे छोड़ दो शेर खान, मैं तबाह की हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आज तुम फिर जीत गए, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। आज हम तुम्हारी वजह से बच गए। बच तो गए, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? किची, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखा किची, हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम बच गए। मुझे नहीं पता था कि इंसान भी इतने अच्छे हो सकते हैं। क्या कहा, इंसान? मैं तो भेड़िया हूँ। कितने अजीब किस्म के भेड़िए हो तुम। क्या मतलब, मैं इंसान हूँ, जरा शर्म करो। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुम्हें जान बचाने को नहीं कहा था। तो जाओ यहाँ से। मोगली, अपने दोस्त से मत लड़ो। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ेगा? माफ करो। तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ। तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मेरी बारी है। हिम्मत है तो मुकाबला करो। मदद करो मेरी।
कर रहा है? अभी इसका कोई घर नहीं है, इसे यहीं सोने दो। ये तो बहुत बेशरम है माँ। आओ मछलियों, जरा पास आओ। हाँ आ गया। उल्लू कहीं का सारा खेल बिगाड़ दिया, जा कहीं और जाकर खेल। मैं भी तुम्हारी तरह मछलियाँ पकड़ रहा था। ठीक है, मैं ही कहीं और चला जाता हूँ, मेरे पीछे मत आना। तुमने मेरी मछलियों को भगा दिया। तुम इस तरह कभी मछली नहीं पकड़ पाओगे, समझे खींची? मोगली, मोगली। ओ, तुम यहाँ हो? उधर मैदान में एक बहुत बड़ा गेंडा है, हाथी जैसा दिखता है। आओ चलकर देखते हैं मोगली। हाँ चलो। जाकर कोई फायदा नहीं मोगली, इससे गेंडा बड़ा दिखेगा ही। तुम्हें इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि डरते हैं। मैंने कब कहा कि मैं डरता हूँ, सिर्फ इतना कहा कि वो बड़ा है। हमने देखा है मोगली, वो बहुत बड़ा है। चलो सब चलते हैं। मैं तो नहीं जाने वाली अपनी बैंड बजाने के लिए। तुम तो डरपोक हो। क्या कहा? मैं किसी गेंडे से नहीं डरती। तो फिर चलो ना। अच्छा मैं चलूंगी, लेकिन अब तक वो मोटा गेंडा कहीं और चला गया होगा। ना मोगली, कितना मोटा है ये। तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे भी बड़े मोटे गेंडे देखे हैं। ज्यादा झूठ मत बोलो लाला, मैंने कहा था ना कि हाथी से भी बड़ा गेंडा है ये। हाँ हाथी के बच्चे से जरूर बड़ा है। चुप करो तुम, धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। मैंने कहा था ना सारे के सारे डरपोक है। तो ठीक है चलो जरा पास जाकर देखते है। क्यों, अब डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ से ठीक तो है। मोगली देखो, वहाँ देखो किची। ये तो बहुत बड़ा है। अगर गेंडे ने किची को देख लिया तो? किची वहाँ से हट जाओ। मत जाओ मोगली। पागल हो गया है क्या? आज तो मर गए। खींची यहाँ से भागो। वो इधर ही आ रहा है। और गेंडा भी। भागो यहाँ से। जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये भेड़ियों की सभा है, यहाँ सिर्फ भेड़िये आते हैं। अगर ये भेड़ियों की सभा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याद रखना मैं भी एक भेड़िया हूँ। साथियों ध्यान से सुनो,
हम सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमारे खबरी ने हमें खबर दी है कि पूर्व दिशा की तरफ हिरणों का एक झुंड आया है। मोगली बताओ। चुप रहो खिची। मोगली बताओ ना, हिरण क्या होता है? हिरण हिरण होता है, अब चुप बैठ जाओ बिल्कुल। तो अब बताओ शिकार में कौन कौन हिस्सा लेगा? मैं भी हिस्सा लूंगा। मोगली क्या मैं भी शिकारी बन सकता हूँ? चुप हो जाओ। जैसा कहा है वैसा करते रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की सोच रहा था। मोगली। जी सरपंच। तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। वो इतना नाराज क्यों है? ये कौन सा जानवर है? ये एक लाल पांडा है। ये पंचायत की बैठक है, कोई बच्चों का खेलने का मैदान नहीं। मोगली जाओ, अब तुम अपनी गुफा में ही रहोगे। नहीं सरपंच जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शिकार में जो जो जाना चाहते हैं आगे आए। चलो, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम यहाँ बैठकर शांति से खेलते रहना। ये सब तुम्हारा कसूर है, वरना मैं भी शिकार पे जा पाता। तुम हो एक चपकू। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते रहोगे? अब सुनो खिची कहीं के, मेरा पीछा मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शैतान कहीं के। शैतान कहीं के, लेकिन मैंने क्या किया? क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे वाह, तुम मुझे मारोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैंने मारा? मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आया, मैं तो खाने के सपने देख रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो? ठीक है। अब तुम गए काम से। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, आज तो तुम गए। रुको। तो तुमने मारा कीची? पकड़ो इसे। जो तुमने इसे पकड़ा। अब आएंगे इसके होश ठिकाने। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ खीची को? मदद करो मोगली। लाला खीची को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे सामने मेरा ही खरगोश चोरी कर रहा था। इस बदमाश ने मेरी दोपहर की नींद भी खराब कर दी और हम दोनों में झगड़ा करवा दिया। खीची तुमने ऐसा किया? मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अच्छा, तो सुनो, जंगल में ये सब नहीं चलेगा। जो करना है करो, मुझे छोड़ दो। तुम बहुत पछताओगे खीची। खीची ये बुरी बात है, लाला से माफी मांगो। नहीं, बड़ा जिद्दी है ये। ये मजाक नहीं है, माफी मांगो। कभी नहीं। खीची तुम बहुत शरारती हो गए हो, दोस्त बनाना सीखो, दुश्मन नहीं। मैं बाहर से आया हूँ इसलिए सब पराया समझते, तुम भी मुझे दोस्त नहीं समझते मोगी। खीची वापस आ जाओ, वापस आ।
मोगली, जाने दो उसे। बघीरा, लो आ गया तुम्हारा काला बिल्ला। खींची ने सबको परेशान कर रखा है। देखो वो बहुत दुखी है। हाँ? वो अनाथ है मोगली, अकेला है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसे थोड़ा समय दो, कुछ देर अकेले रहने दो। वक्त धीरे धीरे उसके जख्मों को भर देगा। पप्पू बिल्कुल अकेला है। यही अच्छा मौका है, शेर खान को खबर देनी चाहिए। वो छोटा सा किची मेरे किस काम का है? किची और मोगली में दोस्ती हो गई है, और अगर किची यहाँ आ जाए तो मोगली भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। नहीं आया तो? नहीं नहीं शेर खान, मुझे विश्वास है कि मोगली जरूर अपने छोटे दोस्त को बचाने आएगा, मेरी बात मानो। हाँ, आदमी का बच्चा है, वो यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएगा। तबाकी। जी हुजूर। किची को यहाँ ले आओ। किची मोगली का दोस्त? हाँ वही मोगली का नया दोस्त लाल पांडा। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। चलो हम यहाँ से भाग चले। दुआ करो कि किची उसी पेड़ पर हो, नहीं तो तुम्हें शेर खान के बारे में पता है ना। कैसे हो दोस्त? हा? तुम यहाँ नए हो? हम यहाँ अकेले हैं, दोस्ती करोगे? अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम बहुत मस्ती करेंगे। मौज मस्ती? चलो हम तीनों मिलकर यहाँ कुछ ढूंढते हैं। जरूर। अनाथ है मोगली, अकेला है। वो मुझे कुछ तो बताता। मैं बाहर से आया हूँ इसलिए सब पराया समझते हैं। तुम भी मुझे दोस्त नहीं समझते मोगली। मुझे लगता है उसने कुछ कहा था, शायद मैंने सुना नहीं होगा या मैं समझ नहीं पाया। मोगली। हाँ? मोगली। मैं अभी अभी तबाकी से मिलकर आया हूँ। तबाकी से? उसने कहा तुम्हारा दोस्त कीची खतरनाक इलाके में फंस गया है। मुझे वहाँ ले चलो। मोगली, मोगली कहाँ हो तुम? मोगली कहाँ हो तुम? जवाब दो मुझे। मोगली कितना शरारती है। क्या बात है, मोगली को क्यों ढूंढ रहे हो? बघीरा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। वो बंदर शेर खान के दोस्त कीची को कहीं ले जा रहे थे। लगता है मोगली को खतरा है। बघीरा, हमें कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, चलो मेरे साथ। चलता हूँ बघीरा। अरे रुको तो, अरे जरा धीरे बघीरा। तुम और नहीं खेलोगे? बहुत मजा आया, पर अब मुझे भेड़ियों के पास जाना है। भेड़िए? भेड़िए हमारे जैसे नहीं होते। बंदरों के साथ रहोगे तो मौज करोगे और बहुत सारी मस्ती भी। पता नहीं। तो तुम यहाँ हो? मोगली तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लेने यहाँ खतरा है खींची, चलो वापस चलें। मुझे यहाँ मजा आ रहा है, मैं यही रहूंगा और अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। खींची। चलो खींची, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम सब मुझे पराया समझते हो, मैं यहाँ बंदरों के साथ रहूंगा। ठीक
है। उसे वही रहने तो मोगली, जहाँ वो रहना चाहता है। ये कौन है और बंदर भाग क्यों गए मोगली? वो बंदरों की चाल थी खींची, अब भाग जाओ यहाँ से। तुम बीच में मत पड़ो मोगली, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ किची चाहिए। खींची भागो। ठीक है मोगली, अब बचकर कहाँ जाओगे? शाबाश तबाकी, ये किची तुम्हारा इनाम है। शेर खान, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते शेर खान। अब भागो खींची यहां से जल्दी। बघीरा तुम क्यों रुक गए? सामने देखो। आओ चलो। चलो रुको, हमें उसे बचाना होगा। हमारे पहुंचने से पहले शेर खान मोगली पर हमला कर देगा। तुमने अकेले आकर गलती की मोगली, वो भी इस किची के लिए। मेरी ही गलती थी, मैंने अपने दोस्त को जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैं दोस्त हूँ? यहाँ जंगल के कानून में कोई दोस्त नहीं होता, ये दोस्ती ही है जिसकी वजह से तुम यहाँ फंसे हो बच्चे। और दोस्ती के कारण अपना पांडा भी खो दिया। बघीरा? अभी नहीं। जीतूंगा शेर खान, देखना दोस्ती क्या होती है। क्यों बेकार मजाक कर रहे हो मोगली? अपने आप को तसल्ली मत दो, अब तुम्हारा कोई दोस्त मदद के लिए नहीं आएगा। फिर देरी कैसी, आओ आगे बढ़ो। वहाँ बहुत ज्यादा खतरा था लेकिन हम बच गए। तुम्हारी वजह से मोगली, दोस्ती के लिए शुक्रिया। ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें ढूंढ रहे थे क्या? नहीं तो मैं तो बस यूं ही टहलने निकला था, वो भी बलू के कहने पर। हाँ शुक्रिया, चलो ये एक मजेदार शाम थी। बघीरा तुम क्या समझते हो तुम इससे तेज दौड़ सकते हो? आओ शर्त लगाते हैं। मोगली, शेर खान से नहीं बचोगे।